हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से आया हूं मैं आपके लिए, आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देने के लिए और अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। और आपका और मेरा एक लगाव हो गया, तो उस लगाव के लिए मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक इसका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और आप बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, ताकि हम आपको हर तरीके से अच्छी से अच्छी वीडियोस को अपडेट कर सके और अच्छी से अच्छी क्वालिटीज के हिसाब से आपको चीजें हम दे सके। तो इसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। जैसे हमने पीछे एक टॉपिक शुरू किया था, टॉपिक का नाम था हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसकी हमने दो वीडियोस अपडेट की थी। फिर उसके बाद उसकी जो आगे की वीडियोज है पार्ट 3 हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसके अंदर कुछ 2-3 पॉइंट रह गए थे, तो उस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए पॉइंट को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं आज अब अगले नए पॉइंट के ऊपर, नए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। और नया पॉइंट हमारा क्या है, क्वालिफिकेशन। इससे पहले मैंने आपको 1-6 पॉइंट दिए थे, उस 1-6 पॉइंट के अंदर आपको टोटल आपका नेम, प्लेस, उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में बताया था। अब आगे हमारे पास एक और पॉइंट आता है, 7th पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। अभी क्वालिफिकेशन आपकी स्टडी को मैटर करता है कि आपने अपने लाइफ में क्या क्या डिग्रीज को एक्सेप्ट किया हुआ है, क्या क्या डिग्रीज आपने क्या की हुई है, या आपकी टोटल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर कभी कभार क्या होता है कि छोटा बच्चा अगर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो वो किसी भी तरीके से अपनी क्लास के बारे में बता सकता है कि मैं इस क्लास में हूँ और इस क्लास के अंदर पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर जैसे ही हम अपनी इंटरव्यूज के हिसाब से जाते हैं, तो इंटरव्यूज के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किस किस चीज की स्टडी की हुई है, या क्या चीज आप आगे कर रहे हो, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश। अब जैसे मैं मेरी बात करता हूं, तो मैंने क्या किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, कि इंग्लिश के अंदर मैंने मास्टर डिग्री की हुई है और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। या उसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि हम एक आधा डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हम और एक्सेप्ट करते होते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हो कि आई हैव डन 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। अभी कंप्यूटर डिप्लोमा क्या है, यहाँ पे आप कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 3 महीने का करता है, कोई बच्चा 6 महीने का करता है, कोई बच्चा 1 साल के लिए करता है, या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, उस कोर्सेज के बारे में आप अपने इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उस कोर्सेज के बारे में बताना चाहते हो, तो वो लाइन आप अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद कभी कभार क्या होता है कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, कुछ डिग्रीज ऐसी होती है जो डिग्रीज हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस कि हम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसके बारे में मोस्ट ऑफ क्या होता है कि एक चीज आप देखते हो कि आप बच्चे ये बात बोल देते हो, I am doing MA। तो ये जो यहां पे आप डूइंग वर्ड यूज करते हो, डूइंग वर्ड का यूज ना करते हुए आप यहां पे एक नया वर्ड लगाओगे, परसुइंग। ये क्या है, जैसे आई एम परसुइंग PhD इन इंग्लिश। अब मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं मान लीजिए अगर PhD कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि मैं आगे का कोर्स कर रहा हूं, PhD कर रहा हूं उसके बारे में, तो यहां पे एक नया वर्ड आप जरूर जोड़िए, परसुइंग। परसुइंग का मतलब होता है कि आप स्टडी के अंदर क्या क्या चीज कर रहे हो, उसको शो ऑफ करने के लिए, उसको बताने के लिए परसुइंग वर्ड का यूज किया जाता है, डूइंग वर्ड का यूज नहीं करते। फिर उसके बाद स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस लिए। अगर कभी कभार कुछ पर्सन फ्रेशर होते हैं, तो फ्रेशर के हिसाब से बता देते हैं कि मैं फ्रेशर हूं, मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, ठीक है। अगर कभी कभार क्या होता है कि अगर आप किसी उस लाइन के अंदर हो, उस लाइन के अंदर आपको काम करते करते कितना टाइम हो गया, तो उस टाइम के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे। जैसे कहोगे कि आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग। अगर कोई पर्सन टीचिंग लाइन के अंदर अपना इंटरव्यू देना चाहता है, तो टीचिंग को बता दीजिए। अगर कोई पर्सन मार्केटिंग लाइन के अंदर अपना इंटरव्यू देना चाहता है, तो आप वहां पे मार्केटिंग लिख दीजिए, आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन। मतलब जिस लाइन के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू दे रहे हो, उस लाइन के अकॉर्डिंग आप उस चीज को मेजरमेंट कर सकते हो। या उसको आप, अगर आपने उसको छोड़ने के बाद आपने इस चीज को बता दिया कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस था और इतने टाइम से मैं काम कर रहा था, अगर एट प्रेजेंट आप उसके अंदर काम कर रहे हो, तो आप इस चीज को बताइए, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स एट HDFC बैंक एज अ ब्रांच मैनेजर। अब यहां पे आप कोई भी कंपनी का नाम लिख दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि मैं HDFC बैंक में जॉब करता हूं और इतने टाइम से कर रहा हूं, और किस पोस्ट पे काम कर रहा हूं, जो पोस्ट होती है, जैसे अलग अलग पोस्ट होते हैं, कोई HBL होता है, कोई SO होता है, कोई AM होता है, कोई RM होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई ब्रांच मैनेजर होता है, कोई डिप्टी मैनेजर होता है, कोई DM होता है, तो ये सारी की सारी उनकी पोस्ट होती है।
तो उस पोस्ट के हिसाब से आप ये लिख सकते हो कि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल था और ये पोस्ट मैं इस पोस्ट के ऊपर काम कर रहा था कितने टाइम से, कितने टाइम से। अगर मान लीजिए आप इस लाइन को शो ऑफ करते हो तो ये लाइन शो ऑफ कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि आई हैव मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन या मार्केटिंग या बैंक। कोई भी आप किसी भी लाइन के हिसाब से इंटरव्यू देने जाते हो उसी लाइन के हिसाब से उसको आप मेजरमेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास फैमिली। अब आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है। अगर वो पूछे, कोई जरूरी नहीं है कि फैमिली के बारे में बताना ही बताना है, तो अगर वो कंफर्म करता है, अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी फैमिली के बारे में बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, तो उसके बारे में आप इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हो। अब हमारे पास क्या होता है, आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। अब ये न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है और ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, दो वर्ड आए, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो हमारे घर में न्यूक्लियर बम फटता है, ठीक है, वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो कहने का मतलब ये, जिस घर में आप हस्बैंड वाइफ या बच्चे 3 या 4 मेंबर होते हैं वो सारी की सारी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आप अपने मम्मी पापा दादा दादी बुआ भांजी या जो भी है आपके परिवार में, अगर आप उसके साथ रहते हो तो उसको ज्वाइंट फैमिली बोल सकते हो। भी आपके दादाजी भी साथ रहते हैं, फादर भी साथ रहते हैं और हम भी अपने दादा और फादर के साथ रहते हैं, तो वो ज्वाइंट फैमिली काउंट हो जाती है। अगर आप अकेले रहते हो, हस्बैंड वाइफ रहते हो बच्चों के साथ, तो उसको न्यूक्लियर फैमिली बोल देते हैं। फिर उसके बाद आपने अपनी फैमिली का वेरवा दिया, तो फैमिली के अंदर आपने बोला कि देयर आर 3 ऑफ अस इन माय फैमिली। अगर आप फैमिली के अंदर 3 मेंबर हो तो 3 लिख दिए, अगर आप फैमिली के अंदर 10 मेंबर हो तो आपने ये बता दिया देयर आर 10 ऑफ अस इन माय फैमिली। यहां पे बच्चे अब कभी कभार मेंबर वर्ड यूज कर लेते हो, इसका यूज नहीं करना। मैम आपने नोट नोट बोला देयर आर 10 ऑफ अस इन माय फैमिली। अब जो ये मेंबर 10 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ये खुद अपने आप में मेंबर का काम कर रहे हैं। इसलिए यहां पे मेंबर ना लिखकर आप डायरेक्ट ये बात लिख सकते हो कि देयर आर 10 ऑफ अस इन माई फैमिली। या फिर उसके बाद जाकर अगर आप बताना चाहते हो, आप अपनी फैमिली के मेंबर्स के बारे में बताना चाहते हो, तो देयर आर से उस लाइन को शुरू कर सकते हो कि भाई मेरे पापा ये करते हैं, मेरी वाइफ ये करते हैं, या मेरे बच्चे आगे ये चीज कर रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो देयर आर लगाकर उस चीज को आगे की आगे अब कवर लेके जा सकते हो। कट। 10, हाँ जी, 9 पॉइंट। 9 के बाद अगला हमारा पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 10, हॉबीज। पॉइंट नंबर 10 में हम हॉबीज के बारे में बताएंगे। पॉइंट नंबर 11, एंड ऑफ योर आंसर। अब पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि आपकी हॉबीज क्या क्या है। हॉबीज के अंदर आप मानते हैं कि मोस्ट ऑफ बच्चे कभी कभार आपकी इंटरेस्ट होता है कि मैं खेलना पसंद करता हूँ, कभी कभार इंटरेस्ट होता है कि मैं गाना गाना पसंद करता हूँ, कभी कभार ये इंटरेस्ट होता है कि कोई बच्चा कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ डांसिंग करना पसंद करता हूँ या म्यूजिक पसंद करता हूँ या सिंगिंग पसंद करता हूँ या प्लेइंग ETC, मतलब कोई भी आप गेम किसी भी तरीके से खेलते हो या जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है उसके बारे में आप अपनी हॉबीज के अंदर बता सकते हो। तो अब इस लाइन को शुरुआत करते हैं, माई हॉबीज इज डांसिंग, या जैसे मान लीजिए आपने एक चीज के बारे में बताना है, माई हॉबीज इज डांसिंग सिंगिंग म्यूजिक प्लेइंग ETC। इसका मतलब ये कि जो गेम आप खेलते हो उस गेम का नेम लिख सकते हो कि मैं जैसे मान लीजिए माई हॉबीज इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबीज इज प्लेइंग हॉकी, व्हाटएवर, कोई भी आप गेम का नाम लिखिए उस गेम के साथ इस चीज को मेजरमेंट कर सकते हो। अब कभी कभार क्या होता है कि बच्चे ऐसे कह देते हैं कि भाई हाँ जी मेरी हॉबीज क्या है, एक अगर आप एक हॉबीज को बताते हो तो एक के साथ आप इज लगा लेते हो। अगर जैसे ही आपने कहा कि मेरी कई सारी हॉबीज है, उस हॉबीज को आप इकट्ठा बनाना चाहते हो, तो माई हॉबीज आर डांसिंग सिंगिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग, मतलब अगर आपने सारी की सारी ये जो हॉबीज हैं इसको इकट्ठा बताना है, एक साथ बताना है, तो वहां पर आर बता दीजिए। अगर आपने एक एक करके बताना है तो वहां पर इज लिख दीजिए। माई हॉबीज इज डांसिंग, माई हॉबीज इज सिंगिंग, माई हॉबीज इज म्यूजिक, माई हॉबीज इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर मान लीजिए आपने बताना है माई हॉबीज आर सिंगिंग डांसिंग म्यूजिक प्लेइंग, मतलब अगर आपने सारी चीज इकट्ठी बतानी है तो आप बता सकते हो कि माई हॉबीज आर, अगर एक बतानी है तो माई हॉबीज इज। फिर उसके बाद अगर आपने इसको ऐसे लिखना है कि माई हॉबीज, ठीक है, अगर आपने इसको इस तरीके से लिखना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर ऐसे बताना है कि आई लाइक या आई लव डांस, आई लाइक डांस, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक वॉचिंग मूवी, आई लव डांस, आई लव सिंगिंग, आई लव प्लेइंग एंड आई लव वॉचिंग मूवी, इनमें से किसी भी तरीके से आप हॉबीज के अंदर
लाइक, लव या एंजॉय, इस तरह के वर्ड का यूज करते हुए अपने लाइन को कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद एंड ऑफ योर आंसर का मतलब है कि आप एक आंसर देकर अपनी उस बात को खत्म कर सकते हो। बात को खत्म करने का मतलब दैट्स ऑल अबाउट मी। अब यहां पे इसने बोला कि दैट्स ऑल अबाउट मी, ये मेरे बारे में था सारा कुछ, मेरे बारे में मतलब जो जो आपने सारी बातें बताई वो इस तरह से आपने लाइन को बोलकर इस बात को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद थैंक यू या जो भी आप बोलना चाहो। हाँ जी, अब एक झलक देख लेते हैं। झलक का मतलब ये कि अब ये सारी की सारी लाइनें मैंने एक एक करके उसके अंदर मेजरमेंट कर दी, एक एक करके लिख दी। अब इस लाइन्स के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं किसी सामने वाले पर्सन को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकता हूं, यानी कि आप अपने बारे में किसी को कैसे बता सकते हो, इसके ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर या मैम, जो भी पर्सन सामने बैठा है उसके बारे में आप उसको गुड मॉर्निंग बोलकर, सर या मैम, माई नेम इज संग्राम सिंह। हाँ जी, हंसी आती है मेरा नाम सुनकर, आपको लगता है यस, लड़ाई हो जाती है, संग्राम यानी कि हम आज युद्ध कर देंगे और युद्ध करेंगे एक दिन हम इंग्लिश का, ऐसा आगाज करेंगे। संग्राम सिंह, आई एम फ्रॉम सिरसा हरियाणा। अगर मान लीजिए आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो तो सिटी का नाम लिख दिया। आई एम आ टीचर, अब यहां पे लिखा कि मैंने टीचर, अगर मैं टीचर हूं तो मैंने टीचर लिख दिया। अगर जिस पोस्ट के लिए आप हो और जो पोस्ट, जिस पोस्ट पर आप बैठे हो तो उस पोस्ट का नाम बता सकते हो। आई एम अ एफेबल पर्सन, यानी कि मैं बड़ा ही इफेक्टिव पर्सन हूं और हर तरीके से काम को कर सकता हूं। फिर उसके बाद अपने फैमिली के बारे में बताया, देर आर सेवन ऑफ अस इन माई फैमिली, आई लव रीडिंग एंड टॉकिंग, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंकिंग यू। हाँ जी, ये था आपका हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इस वीडियो के अंदर मैं हाउ टू इंट्रोड्यूस को इसको कंप्लीट कर दिया है और वही बात फिर से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मतलब हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे चैनल का नाम है सिलेक्शन मंत्रा, तो सिलेक्शन मंत्रा आपको हर एक तरह की वीडियोस को प्रोवाइड करता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।